हैं अभी हम गणपति पुले के टेंपल पे और आप देख सकते हैं जस्ट पीछे मेरे गणपति पुले का मंदिर है और मान्यता कुछ ऐसी है कि समुद्र का भाव जब आता है तो मंदिर के अंदर पानी एंटर नहीं करता, सिर्फ छू करके पानी वापिस आता है और बहुत अमेजिंग हिस्ट्री है इस मंदिर की। आप देख सकते हो पीछे समुद्र है जस्ट, ये देखिए कितना तेज बहाव जो कि गणपति पुले मशहूर है जिसके लिए सबसे खतरनाक समुद्र माना जाता है ये एरिया, और जबरदस्त वेव्स है यहाँ पर आज समुद्र की। आप देख सकते हो कितना भयावह समुद्र यहाँ पे दिख रहा है, बहुत ज्यादा डेंजर। और ये देखिए बहुत डेंजर समुद्र है यार, और इमेजिन भी नहीं कर सकते। आपको जस्ट पीछे लेके जाऊंगा तो जस्ट आप देखिए यही। अभी हम आ गए हैं गणपति पुले मंदिर जो कि रत्नागिरी में है, और आपको नज़ारे दिखाऊंगा। हम जाने वाले हैं जस्ट, आप पीछे देख सकते हो समुंदर वेव, और ये है गणपति पुले का मंदिर। मौजूद है अभी हम गणपति पुले के टेंपल पे और आप देख सकते हैं जस्ट पीछे मेरे गणपति पुले का मंदिर है, और मान्यता कुछ ऐसी है कि समुद्र का भाव जब आता है तो मंदिर के अंदर पानी एंटर नहीं करता, सिर्फ छू करके पानी वापस आता है, और बहुत अमेजिंग हिस्ट्री है इस मंदिर की। आप देख सकते हो पीछे समुद्र है जस्ट, ये देखिए कितना तेज बहाव जो कि गणपति पुले मशहूर है जिसके लिए सबसे खतरनाक समुद्र माना जाता है ये एरिया, और जबरदस्त वेव्स है यहाँ पर आज समुद्र की। आप देख सकते हो कितना भयावह समुद्र यहाँ पे दिख रहा है, बहुत ज्यादा डेंजर। और ये देखिए बहुत डेंजर समुद्र है यार, और इमेजिन भी नहीं कर सकते। आपको जस्ट पीछे लेके जाऊंगा तो जस्ट आप देखिए यही वो ऐतिहासिक मंदिर है जो कि बहुत फेमस है, और पानी जस्ट यहाँ तक आता है और वापस छू करके गणपति के चरण को वापस चले जाता है। मतलब इतने साल में इतिहास है कि पानी कभी भी मंदिर के अंदर एंटर नहीं हुआ है,
और आप देख सकते हो जस्ट आसपास के दायरे में, अगर आप देखना चाहो तो आपको मैं समुद्र की जैसे आपको वेव दिखाऊंगा। अब वेव देखिए, ये देखिए बहुत ही डरावना समुद्र यहाँ पर आपको दिखने में मिलेगा। और ये देखिए बहुत डेंजर है यार, बहुत डेंजर।